नीमच जिला कलेक्टर दिनेश जैन ने आज जनसुनवाई में बड़ा निर्णय लेते हुए समय पर सीमांकन नहीं करने पर तहसीलदार पर 250 रुपए का अर्थदंड लगाया। वहीं राजस्व निरीक्षक व दो पटवारियों के कलेक्टर ने एक एक वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई की। जनसुनवाई में रामपुरा निवासी अक्षय पिता नंदलाल भट्ट ने कलेक्टर दिनेश जैन से भेंट कर जोडमी के सर्वे नंबर 127 रकबा 2.610 हेक्टेयर भूमि जो शीतला माता मंदिर रामपुरा के नाम दर्ज है और अक्षय भट्ट और उसका परिवार पुजारी के नाते उक्त भूमि का उपयोग उपभोग कर रहा है। आज पड़ोस के लोगों द्वारा उक्त भूमि के कुछ हिस्से पर कब्जा करने के प्रयास करने के कारण अक्षय नंदलाल भट्ट और उसका परिवार पूरे रकबे की जमीन पर कृषि नहीं कर पा रहा है। अक्षय भट्ट ने उक्त जमीन के सीमांकन का आवेदन प्रस्तुत किया है परंतु सीमांकन नहीं हुआ है। इस पर कलेक्टर ने तहसीलदार रामपुरा पर समय सीमा में सीमांकन नहीं करवाने पर लोक सेवा यांत्रिकी भू अधिनियम के तहत 250 रुपए अर्थदंड आरोपित किया है। साथ ही सीमांकन कार्य में उदासीनता बरतने पर प्रभारी राजस्व निरीक्षक भेरूलाल मालफिया, पटवारी दुर्गा प्रसाद परते और पटवारी अनुराग पाटीदार की एक एक वेतन वृद्धि तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दिया है। साथ ही तहसीलदार को निर्देश दिए हैं कि वे अक्षय नंदलाल भट्ट के आवेदन पर तत्काल कार्यवाही कर सीमांकन करवा कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। देखिए, एक रामपुरा का एक आवेदक की जो है उन्होंने लोक सेवा गारंटी के तहत मार्च में आवेदन दिया था तहसीलदार रामपुरा के वहाँ पर। उसके बाद उनका सीमांकन होना था, तहसीलदार द्वारा अप्रैल महीने में उसकी एक टीम भी गठित की गई जिसमें कि प्रभारी राजस्व निरीक्षक और दो पटवारी इसको उन्होंने निर्देशित किया था कि वो जाकर सीमांकन करें, लेकिन एक महीने लगभग एक माह बीत जाने के बाद भी उसके सीमांकन का काम नहीं हुआ, क्योंकि ये सेवा जो है लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत आती है और अगर लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत आप समय सीमा में नहीं देते हो उसकी सेवा तो उस पर तहसीलदार या जो भी वेतन प्राधिकारी है उस पर दंड करने का प्रावधान है। तो उसके तहत मैंने जो संबंधित तहसीलदार या नायब तहसीलदार जो वेतन प्राधिकारी हैं उनके ऊपर जो है 250 रुपये का दंड लगाने के लिए और जो जिन लोगों ने जाकर समय सीमा में नहीं किया है सीमांकन उनकी भी एक एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए। नीमच से अब्दुल अली रानी की रिपोर्ट।